तुम्हें रोड पे फेंक के थोड़ी जा रहा हूँ, तुम घर में रहोगे यार, कैसी बात कर, कैसी औरत है तू? सुन ले मेरी बात, मैं बहुत आराम तरीके से कह रहा हूँ, रो रही है कि तू? What's up guys? भाई साहब आज का प्रैंक इतना खतरनाक होगा किसी ने सोचा नहीं होगा। भाई मैं जा रहा हूँ। अच्छा, आकांक्षा को छोड़ के, कैस्पर को छोड़ के मैं जा रहा हूँ, पहाड़ों में जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कब आऊंगा मैं वापस। ठीक है, और अपना आपको रिफ्रेश करने जा रहा हूँ, मतलब कि अपने आपको डिस्कवर करने जा रहा हूँ। बहुत ठीक है, समझ गया। तो कहते ना इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे स्टोरी डालते हैं कि इट्स बेटर टू डिस्कवर योरसेल्फ, तो आज मैं अपने आप को डिस्कवर करने जा रहा हूँ, ऐसा मैं कहने वाला हूँ। और मुझे नहीं पता मैं 10 दिन 15 दिन महीने भर के लिए इन सबको छोड़ के जा रहा हूँ, सब कुछ त्याग के, ना इनके कॉन्टेक्ट में रहूंगा, ना फोन वोन एक्टिव रहेगा, ना कुछ। समझ फोन पैक कर लिया है, ठीक है, तो देखते हैं क्या रिएक्शन आता है जब उसको पता लगेगा कि इसको छोड़ के जा रहा हूँ मैं। और दिन का भी नहीं पता भाई साहब, और कोई प्लान प्लून नहीं है, मजा आएगा। और वो गई हुई है तरन्नुम के साथ गर्ल्स शॉपिंग करने के लिए, तो मैंने सोचा कि यही मौका है कि गर्ल्स शॉपिंग से मुझे आइडिया आया कि जब गर्ल्स अपने लिए टाइम निकाल सकते तो मुझे भी अपने आप को डिस्कवर करना चाहिए। मैं हौच पौच जिंदगी में परेशान हो चुका हूँ, हुआ नहीं परेशान, स्वाद लेते हैं। सारा खा जाएगा, गुड बॉय, ले लास्ट बिस्किट है ये लास्ट। तूने क्या आफत कर दी जी कोई एकदम से? अभी तू आजा आजा आजा, मेरे को जैकेट नहीं मिल रही, मेरे को ठंडी वाली जो सर्दियों में पहनते हैं ना वो जैकेट। जैकेट क्यों चाहिए? इतने दिन में मैं बाहर निकली, तूने ना आफत कर दी एकदम, जल्दी आजा जल्दी आजा जल्दी आजा। तू मेरे को जैकेट बताएगी? मेरे को उसमें नहीं मिली ना तेरे अलमारी मिली, तूने कहां रख दी, बेड के अंदर है क्या? ये कहां से उतारा है? ये तो ऊपर से उतारा है, दूसरे सूटकेस में जैकेट है। क्या करना है? मैं जा रहा हूं। अरे ट्रिप पे जा रहा हूं। हम जा रहे हैं? मेरे को लग ही रहा था मेरा बर्थडे भी आ रहा है ना। सही बता भाई कैसे पड़ जाएगा? नहीं हां कैसे फिर हम ही चलेंगे। अबे तू नहीं जा रही ट्रिप पे, मैं जा रहा हूँ। क्या बोला तूने? ये वैसी ट्रिप नहीं है, ये थोड़ी तू लौंडे वाले ट्रिप पे जा रहा है? नहीं अकेला। अरे मैं उसके लिए जा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हूँ ना, तो मैं देख रहा था वीडियोस कुछ इंस्टाग्राम पे भी, तो एनजीओज हैं कुछ जो उस तरीके का चलाते हैं मेडिटेशन टाइप सेंटर, जिसमें आप थोड़ा सा वो हो जाते हो मेंटली डिस्टर्ब। नहीं उसमें क्या होता है कि जब आप मेंटली डिस्टर्ब होते हो या फिर ऐसा लगता है कि बहुत डिप्रेशन टाइप, तेरे को पता है मैं डिप्रेशन थोड़ा सा एंजाइटी रहती है मेरे को, तो सेल्फ डिस्कवरी के लिए रिफ्रेश माइंड करने के लिए तो एक एनजीओ है मेरे। अरे कहना क्या चाहते हो? उनका पेज मिला था, कॉन्टेक्ट करा मैंने, तो उसमें कुछ नहीं है, एक हफ्ते के 5,000 रुपए लगेंगे, तो उसमें रहना वहना खाना सब कुछ है। ऐसा कहीं लिखा है कि उसमें फैमिली नहीं आ सकती? और रही बात परेशानी की मेंटली और मेंटली, तो ये भी डिस्टर्ब हो रहा है, मैं भी हो रही हूँ। नहीं उसमें मैं क्यों नहीं आ सकती? बैठ मैं तेरे को बता दूँ, बैठ जाते मेरा परफ्यूम क्यों ले जा रहा है? इसलिए रखा है कि ताकि तेरे को बता दूं मेरे सारे खत्म है, अब ऑन द स्पॉट में क्या लेके जाऊंगा? यूनिसेक्स है ये। तो जब मैं नहीं जा रही तो मेरे परफ्यूम को लेके जा रहा है? यूनिसेक्स है ना, तो मैं भी लगा सकता हूं। तू ये सी छोड़, तू बैठ एक बार, बैठ पहले बैठ, मैं तेरे से बात है ना, कैसी बात तो कर ले अंकी, बैठ जाना यार, बैठ के बात कर रहा हूँ। बहुत परेशान रह रहा हूँ, और परेशान अकेला तू रह रहा है इस घर में। तू अभी गई जब तरनुम के साथ, तूने बोला गर्ल्स टाइम चाहिए तुम लोगों को, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं मेरी वजह से तुम लोग भी बॉयज टाइम चाहिए, वो तो जिम में भी बॉयज टाइम नहीं चाहिए, सेल्फ टाइम चाहिए, खुद के लिए वक्त चाहिए मेरे को। अच्छा, क्योंकि देख मैंने एक चीज देखी है कि मेरी वजह से तुम लोग भी चिड़चिड़ रहते हो ना, मैं तुम्हें ढंग से टाइम दे पाता हूँ, तो मैं थोड़ा सा तो मैं अपना टाइम अलग लेके निकल लेता हूँ ऐसे है, ये बहुत अच्छा है, मतलब हमारे लिए कर रहे थे इतना त्याग, ना ना इतना त्याग मत कर, हम चल लेंगे, हम परेशान होके चल लेंगे। ये भगवान क्या जुलुम है भाई साहब, सोशल मीडिया सब कुछ कट ऑफ है वहाँ पर, ना मैं फोन कैंप से होते मेडिटेशन वाले उनमें जा रहे हैं। हाँ वो तो तू कैंप अटेंड कर लियो, इधर उधर रह लेंगे। अच्छा मेरा तो दिमाग नहीं कर रहा है, तुम भी यहीं पर ही हो, यहाँ पर तो पता है कि तुम्हें घर पे रख दिया मैंने, कि तुम आराम से सेफ रह सकते हो, मेरा फोन ऑफ रहेगा, मैं कोई बात नहीं कर सकता, दो दिन में एक दिन बात कर सकता हूँ, मैं झूठ मारूंगा। और मुझे और कैस्पर को कुछ अर्जेंसी आ गई तो यार ये मतलब, अच्छा जब आपका बुरा टाइम चल रहा है तब आपको फैमिली चाहिए, बुरा टाइम है ना, जब आपका मन करे कि यार मुझे ना बोरिंग फील हो रहा है, मैं बस्ता खाओ और चल दो ट्रिप मारने, बहुत बढ़िया वाह। तुम्हें क्या सोच है, तुम जैकेट दे रही है या मैं किससे मांग लूं? मांग ले किसी से। और कौन कौन जा रहा है? कोई नहीं जा रहा, मैं मांगता हुआ चल जाऊंगा, ये कह रहा हूँ मैं मांगता हूँ, देवेंद्र से मांगता हूँ चले जाऊंगा, तेरे को जैकेट देने तो जाने का लॉजिक क्या है तेरा? तेरे को सच बता रहा हूँ, देख
मेरे को बहुत घुटन होती है आजकल इस चीज से, नहीं मेरे को सोशल मीडिया हो गई, मतलब लोगों की कमेंट भी पढ़ता हूं मैं कि मतलब कि इस तरीके से कि मतलब चैनल ठीक नहीं चल रहा है, प्लस वीडियोस बना रहा हूँ रिएक्शन। तो हमारा क्या हुआ है फिर? अच्छा और जब जाएगा नहीं, एक हफ्ते से तो बिल्कुल ही कटा, मैं और क्या करेंगे यहाँ पे? तू बना लेगी यार भाई, मैं अकेले नहीं कर सकती ना, मेरे को एडिटिंग आती ना अपलोडिंग का, बता कुछ तू मतलब ऐसे सब ऐसे धम से छोड़ के जा रहा है कि कर लो अपने आप, तू कैस्पर देख लेना, तू जाके घुमाना होता है यार, या मैं नहीं घुमा सकती इतने पैसा, उड़ाने नहीं जा रहा, पैसा खर्च करने नहीं जा रहा मैं बहुत सस्ते तरीके से जा रहा हूँ, हरियाणा रोडवेज में जाऊंगा और बता तू, पैसा उड़ाने नहीं जा, शौक पूरे करने नहीं जा रहा, मेरे को अपने आप को थोड़ा ठीक करना है, मैं बहुत पागल हो चुका हूँ तेरे से, ये तुझे ठीक करना था अपने आप को, जिम भाग लेता, तुझे ठीक करना है तो बस्ता ढाके ट्रिप पे भाग लिया, साले मजाक बना के रखते हो, हमें भी ठीक होना है यार, हम भी डिजर्व करते हैं ठीक होना, तो ये क्या है? उस दिन तूने मेरे को बोला, मेरे को ये रियलाइज हुआ, भले तूने प्रैंक किया था वो कि तेरी दाढ़ी वाड़ी इस तरीके से हो गई है, खुद पे ध्यान देता, मैं चाहता हूँ कि मैं, उन्होंने ये बोला कि आप अपने आप को पहचानो, अच्छा आप क्या करना चाहते हो, क्या मैं मुझे यूट्यूब ही करना है, कुछ और करना है लाइफ में, कुछ और करने के लिए आपको वो है नहीं अभी, मतलब ये तो तू ही बोलता है ना कि इनकी जब कोई काम से नहीं, जब कोई काम ऐसे डाउन जाता है तो उसमें भी और मेहनत करनी होती है, तू काम ही छोड़ के जा रहा है, चलो तू नहीं जाएगा मैं बता रही हूँ, जाएंगे तो हम दोनों भी जाएंगे भाई, वो सुनसान जगह है, स्पीति जा रहे हैं, तू तुझे पता है स्पीति के बारे में, स्पीति के बारे में मेंटली पीस के लिए चले जा, स्पीति पता है मेरे को, मेरा कॉलेज टाइम से ड्रीम था वहाँ 10-15 दिन रहना, लोकल कल्चर वहाँ का एक्सप्लोर करना, मुझे बस पता है स्पीति का, वहाँ पर लोकल कल्चर जो गया था ना पूरे स्पीति का एरिया था, हाँ 12 स्पीति जाएगा, तब तो तुझे बड़ी वो लग रही थी, हर यहाँ पे ऐसा होता है वैसा हो रहा है, नहीं नहीं जैकेट मत दे, लग जाएगी ठीक है, जैकेट की बात नहीं है, हम पागल लग रहे हैं तुझे यहाँ पे दोनों, मुझे नहीं पता पागल लग रहे लग रहे, लेकिन लग रही है यही चीज तो है ना, मैं जैसे कोई बात करता हूँ तू मेरे से ऐसे बात करने लग जाती है, क्योंकि तेरी बातें ना लॉजिकलेस होती है, क्यों पिक्चरों में तो बड़ी दुनिया जाती है कि हम अपने को सेल्फ डिस्कवर करेंगे, तो एक काम करते हैं मैं भी कहीं जाता हूँ डिस्कवर, इसको भी कहीं भेज दे, पहले मैं जाऊँ, मेरी बात चली जियो, मेरी बात चली जियो, इतना सेल्फिश है, सेल्फिश क्या हूँ मैं, उसमें लिखा है साफ कैंप में अकेले आओ, आपके काम करते हो ठीक है, मैं भी एक ऐसे ही कैंप बुक करती हूँ अपने लिए, हाँ कर लो, उसमें भी अकेले इतना मैं भी चली जाती हूँ, कैस्पर को संभालेगी ना, क्यों अब मेरे ऊपर क्यों है कैस्पर, जिस दिन तू जाएगी उस दिन मैं संभालूंगा, तू जाएगी उस दिन संभाल, बहुत अच्छा है, ये थोड़ी कि तू भी कैंप में ये भी कैंप में, मैं अभी जा रही हूँ तू संभाल ले, मैंने तो बुक कर दिया पेमेंट कर दिया, मैं इसे ना अकेले भी संभाल सकती हूँ, पर मैं तेरे को रियलाइज करा रही तू क्या कर रहा है, लेकिन मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही, क्यों नहीं अभी कुछ दिन पहले तक तो ये तेरा वो था स्ट्रेस बस्टर था यार, मैं तो इसको हक कर लेता हूँ इसको, मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ में कोई टेंशन, वो सब चीज ठीक है, तू मेरी एक चीज समझ ले, कुछ चीजें होती है, मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाऊँ क्या, मुझे लग रहा है कि मेरे को वहां से थोड़ी हेल्प नेचर में रहूंगा, प्लस वहां पर वो लोगों से 1-to-1 काउंसलिंग होती है, वो जो जो एनजीओ में है वहां पर कंसल्टेंट्स है, कौनसी काउंसलिंग है भैया, ये सब चीजें ठीक है, अनपढ़ नहीं मुझे भी समझ, यहाँ मैंने पता किया एक साइकेट्रिस्ट एक सिटिंग का 2,500 रुपए ले जाएगा, वहां पर भाई साहब 5 रुपए में आपको स्टे भी है, रिलैक्स होके आपको काम, उसमें ये क्या है कि जो आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट लोग हैं आप उन्हें बिल्कुल वो करके जा रहे हो, मेरा तो मैं रोड पे फेंक के थोड़ी जा रहा हूँ, तू घर में रहोगे यार, कैसी बात कर, कैसी औरत है तू, चिल्ला क्यों रहा है, चिल्लाने की बात नहीं, तू कह रही है कैसी औरत है, ये क्या तमीज बात करने की, कैसी बीवी है तू, कुटिया से चल चल, और अगर वापिस आएगा ना तो बहुत क्लियर बोल रही हूँ मैं, और कैस्पर तुझे मिलेंगे नहीं यहाँ पे, जा निकल फिर, मैंने तेरे को क्या बोला, क्या बोला, मैं तुम लोग घर में छोड़ के जा रहा हूँ आराम से, तुम्हें किस चीज की कमी है यार, तो मतलब बहुत ही उसमें छोड़ के जा रहे हैं ना तू, क्यों मेरे बिना रह सकते तुम, नहीं रह सकते, तो मैं भी नहीं रह सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा ठीक हो जाऊँ, मैं चिड़चिड़ा होके नहीं रहना चाहता इस घर में, तू उसे मत डरा, मैं इस घर में पागल होकर नहीं रहना चाहता, तू और मैं चलेंगे, हम दोनों चलेंगे, देखो नहीं देनी जैकेट, नहीं देनी, मैं तो रोज का हो गया, मैं अपने आप देखने से दूंगा, आ जा तू जा, अरे बना रखा है, जा निकल यहां से, ओ ओ ये रख के जरा से उतारे, मैं तो रखूंगी नहीं, ने मेरा फोन पकड़ा ले दो, और अगर वापिस आके मिल गए ना तुझे, बता रही हूँ मैं, कहाँ जाएगी तू, जाऊंगी मैं कहीं भी जाऊँ, तेरे को क्या मतलब है, मैं तेरे से अभी भी देख, सुन ले मेरी बात, मैं बहुत आराम तरीके से कह रहा हूँ, रो रही है कि तू, अबे रो रही है क्या, कैसी रो रही है ये, तू रो क्यों रही है, लेकिन मैं
रोने की कोई बात नहीं है इसमें, रोते नहीं है यार। क्या जबरदस्ती है, मैं नहीं रो रही यार, रोते नहीं है। अरे बस कर भाई, मैं कुछ दिनों के लिए, महीने के लिए जा रहा हूँ, रो मत, प्लीज मत रो यार, प्लीज मत रो। कैसी रो रही है यार ये, कैसी रो रही है अंकी, ले रो मत यार, मत रो, प्लीज प्लीज मत रो यार, रोते नहीं है। क्या जबरदस्ती, मैं नहीं रो रही। रो रही है तू, जबरदस्ती रो रही है, रो रही है। कैसपर भी तो यार, कैसपर तू है, मैं चलता हूं। पागल पागल के खाली बैठ के घर में तेरे ये खुरापात आती है क्या? तुम गेस्ट टाइम गए, मैंने कहा अपने लिए सेल्फ टाइम। तो बॉयज टाइम में तो ये भी आते हैं, तो बॉय इसको भी ले लेना, ये मेरे साथ शामिल है प्राइम में, देख दिखा रहे कैमरा, देख बड़ा कैसपर बॉयज टाइम हो गया। जाऊं मैं वैसे, जाऊं? हां जा, तू जा बेटे, अब बैंक का अकाउंट अकाउंट सब पता है, मैं भी जाऊंगी। मेरे तो कार्ड एक्सपायर हो गया, उसकी तो डेट खत्म हो गई, नया बनवाना है। बहुत अच्छी बात है।